अरे मार्क्सम गुरु, ये दूसरा वाला एक नंबर रहा यार। तो इन दो को तो मैं नॉक कर दिया, लेकिन इनका एक लास्ट बंदा भी बचा हुआ है जो कि इतना बड़ा कैंपर था, मतलब बोले तो उससे बड़ा कैंपर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, कैंपरों का बाप भैया। तो और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है यार। तो आज का मैच हर दिन की तरह इंटेंस तो है ही, लेकिन आज फनी सीन भी बहुत सारे हैं। इंटेंस इसलिए है क्योंकि आज के गेम प्ले में अलग लेवल की फाइट होगी, और फनी इसलिए क्योंकि आज गुटकाधारी आकाश तिवारी आप लोगों के लिए एक शायरी बोलेगा, लेकिन भैया वो शायरी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। और क्यों कंप्लीट नहीं हो पाएगी, यही फनी सीन है। यूनिबेट गेम्स ला रहा है गणेश चतुर्थी फेस्टिवल, जहां आप 6 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक ज्यादा से ज्यादा गेम खेलकर 7.5 लाख तक का प्राइज जीत सकते हैं। यहां जीतने पर आपको आईफोन, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स और तो और स्पीकर जैसे और भी बहुत सारे प्राइजेस मिलेंगे। इतना ही नहीं, अभी और सुनिएगा। यूनिबेट गेम्स के पूल सेक्शन में जाके आपका एंट्री फी देके बड़े बड़े कैश प्राइजेस जीत सकते हैं। यहाँ आप 49 रुपए का पूल सिर्फ 1 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ जीतने पे आपको मिलेगा 2000 रुपए। इस ऐप पे मिलता है 100% GST कैश बैक एंड लोएस्ट कमीशन कंपेरिजन टू अदर एप्स। अब आप लोग बोलोगे फौजी भाई पैसे जीत तो गए पर निकालेंगे कैसे, तो भैया विड्रॉल बहुत ही ज्यादा इजी है, इंस्टेंट निकाल सकते हो। ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगेगा और आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। और तो और 24/7 व्हाट्सएप सपोर्ट अवेलेबल है, तो डाउनलोड करो यूनिबिट गेम्स एंड स्टार्ट प्लेइंग। अरे यार, इसीलिए बोलते हैं कि रुकावट तो जिंदा इंसान के हिस्से में आती है। अब बोल दे पता नागा लग गया जादू उनका। रुकावट तो जिंदा इंसान के हिस्से में आती है, बाकी धोखा खाने के बाद तो इंसान का तोड़ ही देता है जादू जैसे लोगों की। तो यहाँ तक तो ये शायरी बिल्कुल खराब थी क्योंकि इसने कुछ भी बोल दिया, लेकिन आगे शायरी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं। पर फिलहाल हम लोग उतरे थे द्वारका नगरी में और सामने वाली बिल्डिंग में बंदा था, तो मैं निंजा टेक्निक करके यहाँ आता हूँ और फिर मुझे नीचे से फुटस्टेप आती है, तो मैं सोचा कि यार वो बाहर आए तो उसको ऊपर से धप्पा कर दूँ, पर चाचा बाहर नहीं आए तो मैं ही अंदर चला गया। अगर मेरे गोली लगी तो याद रखना बहुत मारूंगा मार। अब इस बंदे को निपटा के मैं किल की बोहनी बट्टा करता हूँ, उतने में मुझे नीचे से फुटस्टेप आती है, तो मैं नीचे आया, लेकिन तभी जादू कहता है एक बंदा और ऊपर आ गया। तो यार यहाँ पे ये दोनों बंदे अलग अलग दिशा में थे, इसलिए भैया पीछे से छलकपट हो गया, पर कोई ना, एक बार अभी जादू ने मेरे को रिवाइव किया है और अब इसी जगह पे मैं जादू को रिवाइव करूंगा। हिसाब किताब चुकता है कोई गुप्ता, कमेंट में बताओ। फिलहाल इस बिल्डिंग में एक बंदा और था जो कि हम लोगों को दिख ही नहीं रहा था, कम से कम मैंने 5 मिनट ढूंढा भैया, पर वो हमको मिला ही नहीं, तो फिर मुझे लगा कि हो ना हो वो इस कोप भवन में है, इसलिए मैं यहाँ आया। और तभी तो यही थे वो चाचा जो कि यहाँ पे लुकनी टीप खेल रहे थे, तो फाइनली मैंने इनकी भी पेटी बनाई और फिर तैरते तैरते बीच वाली बिल्डिंग में जा रहा था, लेकिन अब इसको निपटाने के बाद मैं सीधा लूटा लाटी करके अंदर जाता हूँ, पर अंदर आते ही मुझे बाहर से फुर्सत पाती है। बारे, 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 बारे,
अब मछली वाले चाचा तो भाग गए, लेकिन एक बंदा अंदर से भी M4 चला रहा था। तो हम लोग अंदर आके उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन तभी जादू ये कहता है, कार्ड नहीं, अभी अभी नहीं उठाया। मेरे पास नहीं, उठा लिया कोई। अबे नहीं है बे इस पे, कौन उठा लिया यार? एक ही कार्ड था, उठा लिया यार। अरे नहीं यार, उठा लिया किसी ने। नहीं, दो थे तब। एक बात बताऊं, मैंने उठाया हमारे बच्ची से। आप बोलो देखो। मनी चोबर होता है ध्यान से। Please recall me. अब दोबारा भैया रिकॉर्ड कर के नहीं बोलना है, मैं अपने हिसाब से करूंगा। तो चलो कम से कम गुटकाधारी का वो कार्ड उसे काम आ गया, पर फिलहाल ये बंदा भाग के यहाँ पे आके लुकनी टीप खेलने लगता है। तो मैंने देखो यहाँ पे एक मौली फेंकी, जादू अभी इस मौली से बहुत दूर है, लेकिन तुम बता रहे हो कहाँ? ले लिए गाडू भाई, कहा था थोड़ा आराम से खेला। अब यहाँ तक भी ठीक था। चलो भैया, मैंने उस बंदे को मार दिया और जादू को रिवाइव भी करने लगा। पर फिर एक बंदा बहुत चलाकी से वाटर गन का यूज करके बिना फुट स्टेप दिए मेरे पास आ गया। आदमी हूँ जान लो, आज तो पंचायत नहीं मिले थे, अभी मेरे गांव टूट गई, तुम रिकॉर्ड कर रहे हो, 2 घंटे बता रहा हूँ, अपने हिसाब से करूंगा। प्लीज रिकॉल मी। नहीं, अब हमें बताइए, रुकना जा रहे हैं ना राउंड से, अपने हिसाब से। आई एम रिकॉलिंग अ टीममेट। तेरी माँ का टंटे, हॉडी का भाई हूँ रे, तोड़ दूंगा मादर, मानने आया था, उजी लिया था, उजी तोड़ दिया, मैं ले लिया प्राण। ए होटा भैया कौन उठा दिया? ए मेरे पास बंदा आ गए माँ के समय, भाई बहुत को बंदा है, एक और नहीं। अब ये बंदा भैया देखो वो घर के ऊपर खड़ा है, तो मैंने सोचा कि यार उसके ऊपर कूद जाऊं, लेकिन फिर मेरे को लगा कि यार मैं ऊपर कूदा जब तक भैया वो एनिमेशन होगा तब तक वो रगड़ ना दे, इसलिए मैं नीचे कूद गया। अबे मैं हूँ। एक बंदा ऊपर है, ऊपर से ऊपर सा वो। व्हाट्स गॉट आउट भी गया। अब देखो इसको तो निपटा दिया, अच्छी खासी लूट का भी जुगाड़ हो गया, लेकिन भैया ये बंदा इतना हरामी है, हम लोग यहाँ पे 3-3 लोग हैं, लेकिन उसके बाद वो देखना फ्री फोकट में फिर से मरवाने आएगा, देखो आप लोग। हेलो जादू, ओए जादू, हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? जादू आ ब्रो, तेरी नजर मछली बन गई यार, लेके चले आ ब्रो। एक तुम्हें शायरी सुनाना चाहता हूँ यार भाई। सुनाना ब्रो। इरशाद। हाँ देखो, रुकावट तो जिंदा इंसान के हिस्से में आती है जनाब। बाबा दो तीन बार बाबा करो ना। बंदा मैं मर गया।
कब हम साड़ी नहीं खरीद पाए। अब यहाँ पे भैया इसकी हरकत देख के मैं बिल्कुल भौचक्का खा गया। मैं बोला यार भाई तुम यार एक तो दोबारा यहाँ आए और आए भी तो लड़े नहीं, डायरेक्ट अपनी पेटी लूटने लगे, ऐसा क्यों? मरवाने का बहुत शौक है क्या? तेरी माँ तो एक बार चुक दिया ना, एक बार तेरी माँ तो दी ना मैंने। चल बच्चे तेरी माँ चल तेरी माँ चार दिन जाके चारों की तू ने चल बेचारा इतना केलस गया था ना कि अब इसके पास गाली देने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं था। किलर गया किलर कहाँ है? अरे मार चार तरफ बंदे हैं, उसके अलावा भी बंदे हैं पीछे। अरे तोड़ देंगे अरे देंगे कहाँ? अब इन दोनों को तो हमने निपटा दिया, पर एक बंदे ने गुटखाधारी की भी पेटी बना दी, पर उसका बदला हम लोग ले नहीं सकते थे क्योंकि भैया वो कहीं पे वहाँ कहीं कैंप कर रहा था। गुटखाधारी का कार्ड है, गुटखाधारी का कार्ड है। ये बग्गी जा रही है और भी बंदे यहाँ। हाँ हाँ एक और कोई मुझे रिवाइव कर दो भाई। ईमानदारी बड़े भाई, यहाँ मैं ये कूदने वाले एनिमेशन के कारण मरा। देखो जैसे ही मैं कूदा नीचे झुका, झुक के थोड़ा सा चला भी और फिर बाद में स्कोप खोला, उतने में भैया उसने मेरे को रगड़ दिया। खैर एक बंदा सामने से MK-14 से मेरे को टुकुर टुकुर करता है, तो देखो यार चाचा को भी कैसे निपटाते हैं। भाई कौन सी गन मार रहा भाई? है एक नीचे, दोनों किए थे क्या? एक किए थे मागा को हाँ मागा। अब पहले होता था कि जब किल हो जाते थे 17 तो कंटेंट में हो जाता था खतरा, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होता भैया। और ऐसा कब से स्टार्ट हुआ है कमेंट में बताओ। अरे लाई भी न गई तने भाई भी न गई माँ, यह है मारी सी मादर बोर्ड। सही में तेरे को बोर्ड मारा है क्या? नहीं यार तुम क्या सोच रहे हो बेइज्जती। अरे मेरे को पहले कोई दूसरा पेल दिया, फिर जब नॉक पड़ा तब मारा। ये फौजी भाई बोलता तेरी शायरी अच्छी नहीं है तो आधा पब्लिक बताएगी कैसी लगी। तो बार बोल एक बार बोल दिया, तुम बोले कि अच्छी नहीं है। रुकावट तो जिंदा इंसान के हिस्से में आती है जनाब। वाह 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 वाह। प्यार में धोखा खाया हुआ हर एक इंसान दूसरे की बंदा काम चाहिए। इसकी मार की तारी बुरी नहीं हो पाई। दो है, एक और अंदर। अब अंदर से एक बंदे की फुरसटैप और आई थी, तो मैं निंजा टेक्निक करके यहाँ आता हूँ और देखो अब आगे। वो बेचारा हुआ करत रहा, उसी आदमी मर रहा। मजा पाई बेटा, काहे कितनी मेहनत कर रहे मादर
बता है कि यहाँ जनते को बाप से पंगा ले रहे हैं, नंगा हूँ इनके रहा है। अबे तुम ये सब हटाओ, तुम सारी बोलो भी गुटका धारी पूरी नहीं कर पा रहे तुम। अरे बार हम बिसर गई थे माता गजनी वाली हमारा दिमाग थी 15 मिनट के लिए आवत माता बोल पाता हूँ। रुकावट तो जिंदा इंसान के हिस्से में आती है जनाब, इसके बाद क्राइम पैदा हो जाता है। जल्दी बोल दो ना, तो पता ही है भाई सिचुएशन जानती है क्या, फटाफट फेल दो। रुकावट तो जिंदा इंसान के हिस्से में आती है जनाब, प्यार में धोखा खाया हुआ हर शख्स दूसरे की तरह तोड़ता ही है। क्या बात है भैया, क्या बात है, तो समझ में समझ सकते हैं। अबे जादू बे, जैसे ही उसने लास्ट लाइन बोली तुमने उसको बीच में बोल दी, तो वो क्लियरिटी नहीं आई ब्रो, वो शायरी में क्लियरिटी रहनी चाहिए, तुम्हारे चक्कर में वो क्लियरिटी सुनाई नहीं दे रहा ढंग से। फिर से बोल देता हूँ ना, दो 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 बार बाबा करना है। रुकावट तो जिंदा हिस्सों के, अरे हदा में खुदा भी माग, अरे लग भी सर गया यार, माग तो पहले लाइन भी सर गया यार तेरी माग भाई। रुकावट तो जिंदा इंसानों के हिस्से में आती है जनाब, अरे बाबा कब बोलोगे। अरे बोलता यार, अच्छे से बोलो बाबा बाबा। बोलो जादू तुम दो बार बाबा जल्दी जल्दी। ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं बाबा बाबा। अरे तो लाइन तो बोलो पहले। अरे अरे रुकावट तो जिंदा है, जिंदा इंसान के हिस्से में आती है जनाब, तेरी माँ का आज के शादी मादर शिव घर पे घर पे। मेरी सारी बहुत सुबह रे। ए लेफ्ट में मंदा ना पीछे। तो यार गुटका धारी ने अगर आप लोगों को जरा सा भी हंसाया हो ना, तो इस वीडियो में उसके लिए प्यारी सी कमेंट कर देना, और एक लाइक और एक सब्सक्राइब भी बनता है, तो दोनों बटनों को ठोक डालो। सारी सुनो तो, सारी को लगाता हूँ लगाम, अब प्यार से बोलो जय श्री राम। ये पहले तो बेहतर थी। मार अरे बाप रे, आओ ये जल्दी लगाओ। की गाड़ी धड़ाम धड़ूम होने वाली है। अरे बाप धड़ाम धड़ूम होने वाली है, धड़ाम धड़ूम होती तो हो ना जाती अभी तक। हो भी अरे बोलते के भाग रहा है चल बेटा, चल वोट नहीं है ब्रो, तो गया रे। अरे नीचे नहीं उतरो, अरे अरे ये क्या कर रहा है, मां 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 बैठो 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 भाग बाहर भाई, अब बैठो भाग बाहर, बैठो को नीचे। अबे अबे जादू साइड नहीं, अबे मेरी हेल्थ देख, अबे कहां ले जा रहा जादू, हो गया पैनिक मत हो भाई, आराम से मिल जाएगा ठीक है। मिला भागा, लगाओ ना ये बंदा देखेगा। तो यार अब इस मैच में आपको जो सीन देखने को मिलने वाला है वो काल्पनिक घटना में आधारित होगा, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना भैया, मजा टाइप कर जाएगा। का भरोसा, छाए की गोली। देखो ये गाड़ी का ईंधन कुछ ज्यादा खास है नहीं, ठीक है। अरे लगाओ लगाओ, अरे जी बेटा ऊपर बैठा, ऊपर बैठा, ये रुक ही रुक रहा है, ये रोक रहा हूँ ठीक है। दो बंदे, एक जो मेरे आगे बहुत ने कहा मानस।
अरे ये कि मुझे क्यों मिला कंपनी अरे मार्क्सम गुरु ये दूसरा वाला एक नंबर रहा यार। तो इन दो को तो मैं नॉक कर दिया लेकिन इनका एक लास्ट बंदा भी बचा हुआ है जो कि इतना बड़ा कैंपर था, मतलब बोले तो उससे बड़ा कैंपर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, कैंपरों का बाप भैया। पर फिलहाल एक नोक वाला बंदा पानी में डूब गया था तो हम लोग उसे ढूंढ रहे थे क्योंकि हमें थोड़ी ना पता कि इनका कोई लास्ट बंदा भी बचा हुआ है, तो मैं नोक वाले को ढूंढ रहा था और तभी था क्या दिखा था क्या अरे आता है ना मादर आँखों में कैमरा लगा है मादर का है पकड़ो मादर को मर गया बैठो इनकी गाड़ी धड़ाम धड़ूम होने वाली है भाई एक मेरा बचपन से सपना था भैया कि करूंगा तो सिर्फ क्रश से शादी वरना मर जाऊंगा सलमान भाई की तरह कवारा कि करूंगा तो सिर्फ क्रश से शादी वरना मर जाऊंगा सलमान भाई की तरह कवारा और कोई तुझसे पूछे कि फौजी क्या लगता है तेरा तो बोल देना कि बाप है हमारा। फिलहाल यार अब बचे हैं सिर्फ तीन बंदे तो उन्हें हम लोग ढूंढ ही रहे थे और तभी मुझे पीछे से गोलियां चलने की आवाज आती है और फिर उनका बाहर है यार तो मर जाएगा फौजी भाई यार एक ये है ये किसी में अपने नीचे अरे गड़बड़ हो जाएगी जो उनके बाहर है ब्रो नॉक हो गए बेकार हो अब कसम खा के कह रहा हूँ मुझे लगा कि जॉन आ गया लेकिन जॉन दूर है तो मैंने जादू से बोला जादू फटाक से ऊपर मछली बना लेकिन जादू भैया तो पैदल ही निकल गए मैया चुद गया बाहर नहीं बच सकती समझ अबे कसम से नहीं पता था कि जॉन पास में है नहीं तो मैं भी पैदल ही नहीं चला जाता मेरे को लगा दूर है तो तब तक मैं ऊपर जाके पट्टी लगाऊंगा तब तक जादू मछली बना लेगा लेकिन यार क्या बताऊं यार भाई जादू 1v1 बचा है ज्यादा वो नहीं करना क्या देखते हो खेल तो क्या देखते हो आज नहीं पता था बस पंगा। तो यार फाइनली इसी के साथ हो जाता है चिकन डिनर। तो कमेंट में बताना कि आज का ये गेम प्ले आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, साथ ही कर देना अपने दोस्तों को शेयर। तो मिलते हैं कल को नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।